सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इस चैनल की सबसे यूनिक वीडियो जो है वो होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर हमने जो अपना पूरा सेटअप जो है वो चेंज किया है और आपको जो है कुछ नया दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड न्यू होने वाली है इस हमारे चैनल के लिए। तो गाइस, इसीलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर वॉच करना, और इसी वीडियो में हमने जो आपको कुछ नया दिखाने की जो है कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो गाइस, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, आपको वीडियो में काफ़ी मजा आएगा। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो और भी देखने को मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो को जो है आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि गाइस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो गाइस, ये जो हमारे इस चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो जो कि मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हमारा जो टाइम हो रहा है वो 12 बज चुके हैं गाइस। तो सभी सो रहे हैं जो मैं कि यहाँ पर वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। तो इसलिए गाइज, प्लीज़ वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और गाइज इस वीडियो को से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करना। चलिए गाइज, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है बताते हैं कि हम आपको जो है इस वीडियो में न्यू क्या दिखाने वाले हैं, और गाइज पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे अच्छे से। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे, तो वो हमारा सिस्टम जो है यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको इसके पूरी डिटेल जो है बता देता हूं, और उसके बाद जो हम इसकी टेस्टिंग भी आपको करके दिखाने वाले हैं। चलिए गाइस, जल्दी से मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा बेस बूस्टेड मिनी एम्पलीफायर जो कि आप देख सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी छोटा है गाइस। तो गाइस, ये दिखने में काफ़ी छोटा है, बट इसकी जो हमारी साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी है गाइस। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेस्ट है। तो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो गाइज़, ये एक्चुअली हमारा जो है कार में जो है यूज किया जाता है बेस ट्यूब के रूप में। तो गाइज़, जिस इस पर जो है हमारा बेस जो है प्रोड्यूस होता है गाइज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सारे फीचर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं। तो गाइज़, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फीचर्स जो हमें दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके शब्द के बारे में जो है बताता हूँ। तो चलिए गाइज़, एक बार जो है मैं आपको इसकी अच्छे से पूरी जो है लुक दिखा देता हूँ, इसका पूरा ओवरऑल लुक जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखने में कैसा है। तो चलिए एक बार हम इसका पूरा ओवरऑल लुक देख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसकी पूरी जो आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो हर चीज़ जो है आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम जो इसकी पूरी जो है लुक देख लेते हैं। आई होप आपने जो इसका पूरा ओवरऑल लुक जो है वो देख लिया होगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से मैं आपको इसकी जो पूरी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि इसके साथ जो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, इसके अंदर जो हमें क्या क्या फीचर देखने को जो मिलते हैं गाइस। इसके अंदर फीचर काफ़ी है, और कनेक्टिविटी भी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ हमें जो है क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, तो चलिए सबसे पहले मैं वो जो है आपको दिखा देता हूँ कि जब हम इसको न्यू जो है बाई करते हैं तो इसके साथ हमें जो है क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो हमें कुछ इस प्रकार का एक यूजर मैनुअल मिलता है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं, तो गाइस इसकी जो हमारी ऑडियो आउटपुट है वो 120 वोट्स है गाइस। RMS एम्पलीफायर बोर्ड है ये, सॉरी एम्पलीफायर है ये, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, इसको जो है ऑपरेट करने की सारी जो है डिटेल्स इसके अंदर दी गई है, तो इसको जो हम पढ़कर भी इसे जो है ऑपरेट कर सकते हैं कि इसे जो है किस प्रकार से यूज करना है, तो हम जो यहाँ से देखकर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे सारी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर इसकी जो हमारे ऑडियो इनपुट के लिए जो हमारे कनेक्शन है वो यहाँ पर है। तो गाइज ये, और गाइज इसके पीछे जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, ये कितना वोल्ट जो है हम इसके कितने वोल्ट तक जो ये ऑपरेट होता है, यहाँ पर जो हमें इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारे कितना जो हमारा मोड्स हैं, यहाँ पर सारे मोड्स दिए गए हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस मोड जो है वो बेस मोड जो हमारे कितने वोल्ट तक जो हम परफॉर्म करता है। तो गाइज यहाँ पर फुल मोड के बारे में जो पूरी डिटेल्स दी गई है, आप जो इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं।
और गाइस इसके अंदर काफ़ी सारी जो डिटेल्स दी गई है तो इसे जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस ये फिलहाल अभी हमारे किसी काम का नहीं है तो जल्दी से हम आते हैं अपने मेन एम्पलीफायर पर। चलिए इसको जो हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एम्पलीफायर जो है कहाँ पर यूज किया जाता है। तो गाइस ये एक्चुअली जो है हमारा जो है कार के अंदर जो है बेस के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस हमारी जो बेस ट्यूब होती है कार में, जो इनबिल्ड एम्पलीफायर जो हमारी बेस ट्यूब आती है उसी के अंदर भी ये सिस्टम जो है लगा आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पीछे का जो पैनल है गाइस यही हमारा जो बेस ट्यूब के अंदर जो है लगा आता है। लेकिन गाइस इसको जो है कुछ अलग बनाने के लिए इन्होंने जो कुछ इस प्रकार के बॉक्स में जो है हमें पैक करके दिया हुआ है। और गाइस की जो हम बैक साइड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है हमें स्पीकर आउटपुट के लिए गाइस टर्मिनल मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमें दे रखे हैं। तो हम जो इसको पुश करके इसके अंदर हम जो है अपना स्पीकर के जो वायर है बूफर के वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो गाइस साइड में इसके कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा ये एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर जो इसको यहाँ पर एम्पलीफायर का जो सिस्टम है वो लगा रखा है। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा जो सिस्टम है आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आपने जो इसको चारों तरफ से देख ही लिया होगा, तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी पूरी जो डिटेल्स इसके फीचर्स जो है हर एक चीज़ जो आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की कि ये जो है कितना RMS जो हमें आउटपुट देता है। तो गाइस ये जो हमें उसके जो यूजर मैनुअल पे भी लिखा हुआ था 120 वाट्स जो है हमें ये प्रोड्यूस करवाता है। तो गाइस 120 वाट तक जो हम इस पर लोड दे सकते हैं तो इसकी जो साउंड आउटपुट है जो गाइस RMS वो हमारी 120 वाट है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी पावर इनपुट की। तो गाइस हम जो इसके कितने वोल्ट पर जो इसको ऑन कर सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर ये जो है हमारा जो ऑन होता है। तो गाइस मैक्सिमम इसमें 12 वोल्ट ही दे सकते हैं, उसके ज़्यादा उसके अलावा हम इसमें नहीं दे सकते क्योंकि गाइस इसके अंदर जो हमारा कन्वर्टर लगा हुआ है वो 12 वोल्ट पर ही वर्क करता है। तो गाइस इसके अंदर हम 12 वोल्ट 30 एम्पियर तक जो है दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर पर हम जो है 120 वाट तक का जो हमारा बूफर है वो चला सकते हैं। लेकिन गाइस आप एक बात जरूर ध्यान रखना गाइस, कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम इस पर 15 इंची 18 इंची या हम 10 इंची जो है बूफर चलाएं, गाइस उससे कोई फर्क नहीं होता, मेन जो है वोल्टेज होती है हमारी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हम इस एम्पलीफायर पर कितने इंच तक का जो बूफर जो है वो चला सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ। गाइस इसके अंदर जो हम जो है 8 इंची से लेकर जो है 15 इंची तक जो हमारा बूफर है वो प्ले कर सकते हैं। बट गाइस हम इसमें 18 इंची भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो हमारी मेन चीज़ जो होती है गाइस वो होती है हमारी RMS आउटपुट। तो गाइस हम इसमें चाहे कितना भी बड़ा बूफर जो है वो यूज कर सकते हैं लेकिन गाइस उसकी जो हमारी पावर होनी चाहिए वो 120 वोल्ट ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हम कितना भी बड़ा बूफर यूज कर सकते हैं बट गाइस जो इसके वोल्टेज है वो सेम होने चाहिए स्पीकर के हमारे बूफर के और इस एम्पलीफायर के जो हमारे वोल्टेज है वो सेम होने चाहिए तभी जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसकी जो पावर आउटपुट है वो हमारी 120 वोल्ट है तो हम उसी वहीं तक ही जो हमारा बूफर जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा बूफर कितना भी बड़ा हो लेकिन उसकी वोल्टेज जो है 120 वोल्ट तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइस ये तो हो गई हमारी बूफर की बात और हमारी साउंड आउटपुट की। चलिए अब बात करते हैं कि ये एम्पलीफायर कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। गाइस वैसे तो ये हमारे कार के लिए बनाया गया है बेस ट्यूब के लिए, बट गाइस हम इसको चलाना चाहे तो घर पर भी यूज कर सकते हैं क्यों गाइस इसके अंदर जो हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो गाइस हम चाहें तो इसको घर पर भी चला सकते हैं बट गाइस उसके लिए हमें जो कुछ कनेक्शंस समझने पड़ेंगे उसके बाद ही हम जो इसको घर पर भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस कार में सिंपली चलाने के लिए हमें इस यहाँ पर गाइस वायरिंग लगानी पड़ती है जो कि हमारी बेस्ट की वायरिंग होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होती है तो वहाँ पर तो ये चल जाता है। बट गाइस इसको घर पर चलाने के लिए हमें जो है कुछ समझना पड़ेगा इसके बारे में, तो चलिए गाइस वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। चलिए गाइस अब जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इसके कनेक्शंस किस प्रकार से होंगे। तो चलिए गाइस एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में हमको दिया जाता है एक फ्यूज गाइस जो कि हमारा गाइस 25 एम्पियर का फ्यूज है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्यूज लगाया गया है, मैं आपको एक बार निकाल कर भी इसको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है 25 एम्पियर का जो फ्यूज यूज किया गया है। तो चलिए इसको वापस लगा देते हैं। तो गाइस उसके बाद हम यहाँ पर आता है गाइस हमारे पावर इनपुट के कनेक्शंस, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है ग्राउंड लिखा हुआ है सबसे पहले जहाँ की हमारा माइनस लगेगा, तो मैं एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर कनेक्ट होगा हमारा माइनस एंड गाइस यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस
और उसके बाद गाइज मेन जो बात आती है गाइज वो हमारे इस कनेक्शन की आती है। तो गाइज ये हमारा REM यानी कि हम जो इसको किस पर, ये हमारा जो स्विच होता है गाइज उसी उससे जो हम इसको ऑन करते हैं। तो गाइज कार में तो हमारा इग्निशन से ये कनेक्ट होता है, तो वहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, लेकिन गाइज हम इसको घर पर ही चलाने वाले हैं तो मैं जो आपको इसके बारे में अलग बताऊँगा। तो ये हमारे पावर इनपुट के हैं, सबसे पहले हमारा 12 वोल्ट माइनस प्लस, उसके बाद जो ये रैम। तो गाइस इसको सिंपली इसका क्या है, अगर हम इसको घर पर चलाएंगे 12 वोल्ट से, हम इन दोनों को जो है शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद जो हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट माइनस एंड गाइस इन दोनों को जो हम शॉर्ट करके पॉजिटिव यहाँ पर लगा देंगे, तो ये जो हमारा एम्पलीफायर जो है ऑन हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा वॉल्यूम दे रखा है, एक यहाँ पर हमारा एक वॉल्यूम के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और गाइस उसके बाद यहाँ पर हमारा दे रखा है गाइस, आप देख सकते हैं बेस के लिए और फुल के लिए, तो आप देख सकते हैं गाइस कन्वर्टर है ये। तो गाइस अगर हम इस स्विच को इस साइड रखेंगे तो ओनली हमारा जो है बेस बेस जो कि आएगा, और गाइस अगर हम इसको इस प्रकार से कर देंगे तो हमारा बेस और साउंड दोनों आएंगे। अगर हमें ओनली बेस बेस इसमें चलाना है, ओनली बेस ही सुनना है, तो गाइस हम इसको इस साइड कर देंगे, और गाइस अगर हमें बेस और साउंड दोनों चाहिए तो हम जो इसको इस साइड कर देंगे। चलिए फिलहाल हम इसको इसी पर ही रखता हूँ। और गाइस यहाँ पर आती है हमारी फ्रिक्वेंसी, तो बेस की जो फ्रिक्वेंसी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम डाउन या हाई कर सकते हैं, तो ये हमारी बेस फ्रिक्वेंसी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आता है गाइस हमारा जो है हाई इनपुट और गाइस हाई आउटपुट। तो गाइस इसका मतलब होता है गाइस हमारा जो ये तो हमारा जो है कार का जो स्टूडियो होता है, तो गाइस उसके अंदर जो हमें आउटपुट के लिए ऑडियो के लिए कुछ नहीं मिलता है, इस प्रकार के जो हमें सॉकेट नहीं मिलते हैं ऑक्स के लिए, तो उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है। तो गाइस हम डायरेक्ट इसके अंदर स्पीकर के वायर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें जो है ऑडियो इनपुट आउटपुट हम ले सकते हैं, तो ये उसके लिए है। तो गाइस ये तो ओनली सिंपली कार में यूज होता है, तो इसका हमारा अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। उसके बाद गाइस बात आती है इसके हमारे ऑडियो इनपुट के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो गाइस ऑडियो इनपुट आउटपुट के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे जो है हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर MP3, यहाँ पर गाइस हम डायरेक्ट ऑक्स लगा कर भी इसको इनपुट दे सकते हैं, और गाइस यहाँ पर हमारा इनपुट हमारी जो गाइस RCA लीड होती है गाइस यहाँ से भी हम दे सकते हैं, तो उसका इनपुट यहाँ से भी है राइट एंड लेफ्ट चैनल का। तो गाइस वैसे तो इसमें ये मोनो एम्पलीफायर है, तो बाकी और गाइस अब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मिलता है गाइस जो हम इनपुट यहाँ पर देंगे वहाँ जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ से भी हम लेकर दूसरा भी कनेक्ट कोई भी एम्पलीफायर अदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के इसके कनेक्शन थे जो कि मैंने आपको बताए गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे से। तो गाइस सिंपल से ही कनेक्शन है, और गाइस यहाँ पर पीछे जो हमें मैंने आपको दिखाया भी था हमारे जो स्पीकर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम अपना बूफर लगाएंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं इसके कनेक्शंस करके आपको जो इसको प्ले करके इसकी साउंड टेस्टिंग करवाता हूँ, इसकी जो साउंड है वो कैसा है। चलिए गाइस जल्दी से इसकी वायरिंग करते हैं। तो इसकी वायरिंग के लिए हमें कुछ इस प्रकार के वायर एंड एक ऑक्स की जरूरत पड़ेगी गाइस, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा वायर है इसके अंदर हम यहाँ से जो हम इसको पावर इनपुट देंगे, तो ये हमने जो है, तो गाइस एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमें जो इसके अंदर हैवी वायर जो यूज करने हैं ताकि हमें जो आउटपुट पूरा अच्छे से मिल सके। तो ये कुछ इस प्रकार के जो हमने सेटअप बना रखा है। और गाइस ये जो हमारी ऑक्स है ये आप देख सकते हैं नॉर्मल सी ऑक्स है, तो गाइस इसको हम जो है ऑक्स से इनपुट देंगे। तो गाइस ये एक्चुअली हमारा जो गाइस 1+ का फ़ोन है तो उसमें जो उसको लगाने के लिए ये 3.5 mm जैक है ये, तो इसीलिए ये लगा रखी है। तो चलिए ये नॉर्मली ऑक्स है। तो चलिए गाइस जल्दी से मैं इसके कनेक्शंस करता हूँ, उसके बाद जो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस कनेक्शंस करते हैं इसके। तो यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर से जो इसके जो स्क्रू यहाँ पर दे रखे हैं तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं जल्दी से इनको खोल लेता हूँ। तो गाइस इनको जो हम यहाँ से इस प्रकार से खोल लेंगे, तो इसको भी हम जो यहाँ से खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो इनको जो मैंने तीनों को जो खोल लिया है, तो चलिए इसके अंदर जो हम अपनी वायर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे वायर। तो गाइस हम जो है गाइस हमें इन दोनों को जो है शॉर्ट करके चलाना है तभी हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार का एक सेटअप बनाया है वायर को मोड़ कर, तो इन दोनों को जो हम शॉर्ट करके उसके बाद जो इसको प्ले करेंगे।
चलिए मैं एक बार लगा लेता हूँ इसको अच्छे से। तो तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन है वो मैंने कर लिया है। चलिए मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो इन दोनों को शॉर्ट कर लिया आपस में, तो ये हमारा जो स्विच का वायर है और ये हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव का। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा वायर ले लेता हूँ, चलिए जल्दी से इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। हमने जो इसके कनेक्शंस कर लिए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑक्स, तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर हम जो इस ऑक्स को लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको जो है ऑडियो इनपुट देंगे, तो यहाँ पर हमारे जो ऑक्स है वो लग चुकी है। तो गाइज हमारे यहाँ के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो पावर सप्लाई के कनेक्शन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। ये हमारा ग्राउंड और ये जो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर हमने जो इसको ऑक्स से जो कि इनपुट देंगे तो ये जो हमारे फ़ोन में लगेगी। चलिए गाइज अब जल्दी से अपने जो हमारा बूफर है जो उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर यहाँ से। यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारे बूफर के वायर। तो गाइज इसके जो हम प्लस माइनस जो है वो देखकर लगाएंगे, अगर गाइज हम इनको उल्टा लगाएंगे तो हमें जो साउंड क्वालिटी अच्छे से नहीं आएगी। गाइज इनको जो है ज़रूर सीधा लगाएं, प्लस की जगह प्लस एंड माइनस की जगह माइनस। तो चलिए जल्दी से हम इसको भी लगा लेते हैं। तो गाइज इसको सिंपली लगाने के लिए हमें जो इसको यहाँ से पुश करके उसके अंदर लगाना होता है, ये मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी आसानी से जो लग चुका है, इसको भी मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको जो है लगाना काफ़ी सिंपल है। इसको गाइस इसके अंदर पुश करके और इस वायर को डालकर हम आसानी से लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से लग चुका है। तो चलिए अब एक बार इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो पूरा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो इसीलिए मैंने जिसके सारे कनेक्शंस कंप्लीट करके और इसको ऑन करके उसके बाद ही जो आपको इसको दिखाया है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी जो हमारा एम्पलीफायर वो ऑन है गाइस। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार, तो गाइस इसको जो हमने पावर इनपुट जो है एक मेरे पास जो है बैटरी अवेलेबल अभी नहीं थी, तो हमने जो ये गाइस हमारे जो खेतों में स्प्रे करते हैं जिससे वो टैंक है, तो गाइस इस यहाँ से हमने इसको जो है बैटरी का जो इसका आउटपुट आता है, तो गाइस यहाँ जहाँ से चार्ज होती है वहीं से जो इसका जो है 12 वोल्ट का आउटपुट भी आता है। तो इसको पावर देने के लिए मैंने यहाँ से जो इसको पावर दी है आप देख सकते हैं। तो गाइस नीचे वाला हमारा पॉजिटिव है और गाइस जो दूसरा वाला वो हमारा ग्राउंड है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो हमने सेटअप लगाया है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है ब्लू लाइट ऑन है, तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन है अभी, और गाइस फ़ोन भी हमारा कनेक्ट है। तो गाइस अब जो हम इसको चला कर इसकी साउंड टेस्टिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कनेक्शंस किस प्रकार से मैंने किए हैं। तो चलिए गाइस अब जल्दी से मैं इसकी जो है साउंड टेस्टिंग करके जो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से एक एनसीओ सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का ज़रूर यूज करना ताकि आपको साउंड क्वालिटी का अच्छे से पता चल सके। तो चलिए गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम इसको जो है ओनली बेस पर चलाएँगे, तो ये हमारा जो है ओनली बेस पर भी सेलेक्ट है। तो चलिए मैं यहाँ से एक एनसीओ सॉन्ग प्ले करता हूँ गाइस, तो यहाँ से वॉल्यूम में फुल कर देता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ से हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो गाइस आप सुनना। तो चलिए वॉल्यूम को जो है फुल करते हैं। तो आप बेस सुन सकते हैं गाइस कितना जो हैवी बेस आ रहा है।
गाइस। तो गाइस देखा आपने इसका जो बेस है कितना ज़बरदस्त एंड हैवी बेस है गाइस। तो गाइस बेस जो है अच्छे से माइक से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो गाइस इसका एक्सपीरियंस जो है आपको तब अच्छे से मिलेगा जब आप इसको बाई करोगे। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको जो हम फुल पे चला कर देखते हैं। तो चलिए गाइस जैसे हम इसे स्विच को जो है फुल पर करेंगे तो हमारा साउंड भी आएगा और गाइस बेस भी आएगा। तो चलिए हम इसको एक बार जो है फुल पर चला कर देखते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। अब गाइस जो हमारा साउंड बेस और साउंड दोनों आ रहे हैं। तो गाइस आपने देखा इसका जो साउंड है वो बेस क्वालिटी कितनी हैवी है गाइस। तो गाइस अभी जो फ़िलहाल मैं आपको इसको फुल साउंड पर प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइस टाइम ज़्यादा हो गया है, सभी सो रहे हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर गाइस 1:30 बज चुका है, तो अभी जो है मैं आपको इसको फुल साउंड पर प्ले करके नहीं दिखा सकता। और हाँ गाइस अभी जो इसका पूरा साउंड आउटपुट आएगा ही नहीं क्योंकि गाइस इसके अंदर जो हमने बैटरी यूज की है वो है हमारी 7 एम्पियर की बैटरी इसके अंदर हमने यूज की है। और गाइस हम जो इसके जो 13 एम्पियर पर जब हम इसको चलाएंगे तो इसके जो आउटपुट है वो प्रॉपर हमें मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हैं, तो मैंने गाइस आपको इसको बेस पर भी चला कर दिखाया और हाई पर भी चला कर दिखाया। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो सेटअप है वो सारा मतलब कि इधर उधर हो चुका है वाइब्रेशन से। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने हीरा 3 प्रो का जो टावर यूज किया था स्पीकर चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी जो लाइट वगैरह है वो सारी चीज़ जो है वाइब्रेशन होने लग गई।
तो हमारा सारा सेटअप जो है वो इधर उधर हो चुका है। तो गाइस ये जो हमारा टावर है वो यहाँ पर था, तो जो कि वाइब्रेशन से वहाँ चला गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस अब आप इसका जो है वाइब्रेशन चेक करना। हमारे जो पूरा कमरा जो पूरा वाइब्रेट कर रहा है। तो गाइस अभी मैंने इसको फुल साउंड पे प्ले नहीं किया है क्योंकि गाइस टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस। तो चलिए एक बार हाई पर प्ले करके देखते हैं। तो गाइस इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस, ये जो है काफ़ी पावरफुल जो है। तो गाइस मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो गाइस आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और गाइस अभी जो मैंने इसको 7 एम्पियर पर ही प्ले किया है, तो गाइस अगर हम इसको 30 एम्पियर पर ही अगर चलाएँगे तो इसका प्रॉपर आउटपुट जो हमें मिलेगा। तो गाइस इसके वाइब्रेशन से हमारी जो लाइट वाइट है वो भी गिर कर टूट चुकी है, तो मैंने फिर दोबारा से जो इसको लगाया बनाया है सारा सिस्टम, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आपने इसकी साउंड क्वालिटी सुनी ली होगी और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी है गाइस इस वीडियो में। तो गाइस ये था आज का हमारा कुछ वीडियो गाइस, जो कि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो गाइस आपको ये सिस्टम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को गाइस, काफ़ी जो है रात हो चुकी है, तो गाइस 2 बजने वाले हैं। तो अभी हमारे जो वीडियो का शूट जो है मैं अभी इस वीडियो का एंड कर देता हूं, तो काफ़ी रात हो चुकी है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।